गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इल्यूमिनेशन चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 1 से 30 तक इल्यूमिनेशन चैप्टर के प्रश्न को करा चुके हैं, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। कराए भारतीय विद्युत नियम के अनुसार नियोन साइन नली पर आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम वोल्टता 10 किलोवाट है। ये भारतीय विद्युत नियम के अनुसार कह रहा है कि अधिकतम उसमें जो है ना वोल्टता कह रहा है 10 किलोवाट है। अगर 10 किलोवाट है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। कथन एक में कह रहा है इस कार्य के लिए केंद्रीय सिरायुक्त ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर 10 किलोवाट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन सही है कथन एक। दूसरा कथन कह रहा है कि केंद्रीय सिरा को भली प्रकार अर्थ से संयोजित किया जाना चाहिए, ये भी हम काम करेंगे। चूँकि वोल्टता हमारा इसमें दिया हुआ है 10 किलोवाट, इसलिए अगर 10 किलोवाट वाला है तो जनरली हम ये दोनों काम करेंगे। केंद्रीय सिरा युक्त ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर लेंगे और दूसरा केंद्रीय सिरा को भली प्रकार अर्थ से संयोजित करेंगे। चलिए क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन सी होगा, कथन एक और दो दोनों सही है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिदीप्ति नली परिपथ में चौक का कार्य। देखिए प्रतिदीप्ति नली में कह रहा है चौक का क्या कार्य है, पहले आप लोग जान लीजिए कि ये चौक का क्या काम है। आपको पता है कि चौक एक प्रकार का क्या है, उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला प्रेरक है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर एसी परिपथ की बात की जाए तो वोल्टेज को घटाता है और विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करता है एसी में। जबकि यहाँ प्रदीप्ति नली परिपथ में चौक का कार्य पूछ रहा है, तो प्रदीप्ति नली परिपथ में चौक का कार्य है स्टार्टिंग हेतु उच्च वोल्टता। स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करेगा, उच्च वोल्टता प्रदान करेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीचे मरकरी आर्गन लैंप से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य है। आपको मरकरी आर्गन लैंप से MA टाइप लैंप है, ये MA टाइप लैंप है, MA टाइप का लैंप है और MA टाइप ऑफ लैंप से पर दो कथन दिया है। इस दो कथन को हम पढ़ते हैं, दोनों कथन देखिए क्या कहता है। पहला कथन कह रहा है कि लैंप को 230 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित करने पर इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है, ये कथन पहला है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है
कि इसकी दक्षता लगभग 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। यानी MA टाइप ऑफ लैम्प के बारे में दो कथन दिया है, वो कह रहा है दोनों में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों इसका कथन क्या होगा, सही होगा, कैसे होगा वो बता रहे हैं। चूँकि हम ये सारा आपको क्या किए हैं, थ्योरी में बता चुके हैं MA टाइप ऑफ लैम्प में, MA टाइप ऑफ लैम्प के बारे में सारा बता चुके हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, दो लेते हैं मुख्य इलेक्ट्रोड और एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये दोनों जो है ना, स्टार्टिंग और मुख्य इलेक्ट्रोड दोनों बना रहता है टंगस्टन फिलामेंट का। और हम इस लैम्प को क्या करते हैं, 230 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित करते हैं। संयोजित करने के बाद यही इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर एक तो ऐसे भी सही है। अगर इसकी दक्षता की देखा जाए, MA टाइप लैम्प की दक्षता, तो इसका दक्षता होता है 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट। इसका उपयोग हम लोग जनरली कार्यशाला में नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव होता है। अब स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव क्या है कि अगर इसमें प्रकाश में कोई भी घूर्णित वस्तु उल्टी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्रबोस्कोपिक प्रभाव। ठीक है, कोई भी वस्तु आपको प्रकाश व्यवस्था में देखिएगा ना, तो ये उल्टी प्रतीत होगा। यही एक ऐसा लैंप है MA टाइप। क्लियर। चलिए इसके हम श्रेणी क्रम में चौक को लगाते हैं और पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाते हैं। जो कोई विद्यार्थी अगर इसका सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो सारा प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फ्लोरोसेंट लैंप तथा फिलामेंट लैंप की तुलना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें एक फ्लोरोसेंट लैंप है और दूसरा फिलामेंट लैंप है, तो दो कथन इससे दिया हुआ। कहता है फ्लोरोसेंट लैंप छाया बनाते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में पूछ कह रहा है कि ये छाया बनाता है। फ्लोरोसेंट लैंप आपका क्या कर रहा है, छाया बनाता है। दूसरा कथन में कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप का जीवन काल फिलामेंट लैंप की तुलना में 7 गुना होता है। ये बात सही है, इसका जीवन काल क्या होता है, 7 गुना होता है, जबकि ये फ्लोरोसेंट लैंप छाया बनाता है। ये कथन गलत है। तो इसमें क्या होगा, 34 का आपका ऑप्शन नंबर होगा 2, यानी ये बी, सिर्फ ये कथन 2 सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से सत्य कथन को छांटना है। निम्न में सत्य कथन को आपको छांटना है। कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब की आयु, एक नंबर ऑप्शन में कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब की आयु लगभग 5000 से 7500 कार्य घंटा होता है, ऑप्शन नंबर एक में यही कह रहा है। फिर कहता है नियोन लैंप में 50 मिलीमीटर दाब पर नियोन गैस भरी जाती है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर कहता है आर्क उत्पन्न करने के 1.5 से 8 मिलीमीटर का एयर गैप होना चाहिए। तो देखिए इसमें से क्या होगा आपका, ये एक ही ए नंबर सही है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की आयु लगभग 5000 से 7500 कार्य घंटा होता है, ये सही है। जबकि नियोन लैंप में जो कह रहा है कि 50 मिलीमीटर दाब पर नियोन गैस भरते हैं, ये गलत है। 50 मिलीमीटर दाब पे नहीं भरते नियोन गैस, इसमें तब कितने पे भरते हैं, इसका याद रखिएगा, हम भरते हैं 3 से 20 मिलीमीटर दाब पर।
ठीक है, देखिए ये गलत है, तो ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर एक ही सिर्फ सही होगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब की आयु 5000 से लेकर के 7500 घंटा होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी दीप यानी लैंप को उसकी अंकित वोल्टता से कुछ कम वोल्टता पर प्रचालित किया जाए तो उसकी कार्यकारी आयु डैश जाती है। यानी कोई भी एक लैंप है और उस लैंप में अंकित वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज पर प्रचालित कर रहे हैं। मान लीजिए ये लैंप है और इस लैंप को हम क्या कर रहे हैं, इसका अंकित वोल्टेज है 500। अब 500 पे प्रचालित नहीं करके हम इसको क्या कर रहे हैं, उससे कम यानी 400 मान लीजिए 95 वोल्ट पर प्रचालित कर रहे हैं, तब कह रहा है उस केस में उसके आयु पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना है। तब उसका आयु क्या होगा, देखिए 500 से और उस पर हम कमी पे हम चला रहे हैं, अंकित वोल्टेज है 500 और हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं 495 पे, तो रेटिंग से जब हम कम पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका आयु क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कोई भी लैंप को हम उसके जो रेटिंग दिया हुआ है कि अंकित मान जो उसका दिया अंकित वोल्टेज 500 ये वोल्ट है और 500 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं करके हम उससे कम पे ही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका आयु क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गौर कीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चौक साधारण चौक से बेहतर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स चौक कह रहा है साधारण चौक से बेहतर होता है, इस कथन का समर्थन करने वाले कथन हैं। यानी कह रहा है कि जो सिंपल एक चौक होता है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉनिक्स चौक कह रहा है कि किस संदर्भ में अच्छा होगा, इसके लिए दो कथन दिया है, इस दोनों कथन को पढ़ते हैं। कथन एक में कह रहा है कि इसके प्रयोग से कैपेसिटर संयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स जब चौक प्रयोग करेंगे तो हम वहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर हमको नहीं लगाना पड़ेगा, ये बात कह रहा है, ठीक है। फिर दूसरा कथन में कह रहा है कि परिपथ का स्विच ऑन करने के बाद अल्प समय में ही ट्यूब प्रकाशित हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स चौक जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चौक में हम क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चौक में हम लोग कोई भी कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये क्या होता है बहुत कम समय में ही ऑन हो जाता है। ये लिखा हुआ है ना कि परिपथ का स्विच ऑन करने के बाद अल्प समय में ट्यूब प्रकाशित हो जाता है, एकदम ये सही बात है। कहता है इसके प्रयोग से परिपथ में हमिंग दोष नहीं होता है, ये भी सही है। यानी कथन एक भी सही है, कथन दो, कथन तीन, तीनों सही, यानी कि सी नंबर होगा, ये सभी कथन एक, कथन दो, कथन तीन तीनों सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शॉक में हम लोग कैपेसिटर भी नहीं लगाते हैं, इसको जैसे ही ऑन किए, जैसे ऑन कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक चौक को, तुरंत ये क्या होगा प्रकाशित होने लगेगा। फिर तीसरा क्या होता है, इसमें हमिंग दोष नहीं होता है किसी प्रकार का, आप देखिएगा आवाज़ उवाज साउंड नहीं आपको सुनाई पड़ेगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक फ्लोरेसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। हमको रंग प्राप्त करना है नीला, कौन सा फ्लोरेसेंट ट्यूब में, तो हम कौन सा फ्लोरेसेंट पाउडर उपयोग करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, नीला के लिए हम लोग करते हैं कैल्शियम टंगस्टेट का प्रयोग करते हैं। जबकि देखिए अगर ये फ्लोरेसेंट पाउडर, अगर कैडमियम सिलिकेट अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये
कैडमियम सिलिकेट अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए बताते हैं क्या होता है। कैडमियम अगर सिलिकेट अगर आप पाउडर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो कैसा कलर होगा, तो इसके लिए आपको होगा पीला, पीला गुलाबी, पीला गुलाबी। क्लियर है? फिर देखिए, अगर जिंक सिलिकेट लिखा हुआ है आपका, जिंक सिलिकेट, ये जिंक सिलिकेट में हम कौन सा उपयोग करेंगे, जिंक सिलिकेट में हम लोग हरा करते हैं, हरा करते हैं, ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम वेपर लैम्प की औसत जीवन अवधि है, सोडियम वेपर लैम्प की औसत जीवन अवधि कितना होता है, सोडियम वेपर लैम्प के बारे में बता रहा है। तो देखिए, सोडियम वेपर लैम्प का औसत जीवन अवधि होता है 3000 घंटे। कितना होता है? 3000 घंटे होता है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी फ्लोरेसेंट ट्यूब के लैम्प में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है। देखिए, कोई भी एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में, ट्यूब के लैम्प में अगर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या है, किसी भी प्रकाश व्यवस्था में जब आप देख रहे हैं तो वो वस्तु आपको क्या होगा, उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। और इस प्रभाव को अगर हमको समाप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि दो ट्यूब लाइट को लैग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़कर, यानी आपको दोनों ट्यूब लाइट को क्या करना पड़ेगा, समानांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए, तो उसमें आपको क्या होगा, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।